विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता आपण संत कबीर या पाठाचा भाग क्रमांक 2 पाहूया। कबीर जसे मोठे झाले तसे पैसे ही मिळू लागले, कबीर जसे बड़े हुए वैसे पैसे भी मिलने लगे, पण श्रीमंत होण्यासाठी त्यांची धडपड ना होती, मगर अमीर आदमी बनने के लिए उनकी जद्दोजहद नहीं थी। पोटा पुरते मिळावे व रामाची भक्ती करावी एवढेच त्यांना माहित होते। पेट के लिए जितना मिल जाए और अपने भगवान राम की इबादत हो जाए, इतनी ही उनको मालूमात थी। विणकाम करताना ही रामाची कधी विसर पडली नाही। वो जब भी बुनकर का काम करते थे तो उन्होंने अपने भगवान राम को कभी नहीं भूला। रात्रंदिवस त्यांच्या रामाचा ध्यास लागलेला, रात दिन जो है वो अपने भगवान राम की लगन में लगे हुए होते। त्यांना आता लोग संत म्हणून ओळखू लागले। आप जो लोग उनको संत बोलकर पहचानने लगे। कबीर यांना चांगले लिहिता वाचता येत ना होते। कबीर को जो है अच्छे से लिखते पढ़ते नहीं आता था, पण ते कविता रचत, मगर वो फिर भी नज्मों के अशार बनाते थे। विनता विनता त्यांनी कितीतरी पदे व दोहे रचले। अपना बुनने का काम के साथ साथ उन्होंने कई अशार लिखे। त्यांनी देवाची भक्ति आहे, उसके अंदर खुदा की इबादत है, लोकांनी चांगले वागण्याचे उपदेश आहे और उसके अंदर लोगों से अच्छा बर्ताव करने के मालूमात है। या अभंगा सारखेच कबीर यांचे दोहे आहे। इन्हीं दोहे कबीर के अभंग के जैसे दोहे है, अशार है। आपन सारे एकच परमेश्वराची लेकरे आहोत। हम जो है एक ही खुदाए ताला के बंदे है। आपन भेदभाव ठेवू नाही। हम जो है आपस में एक दूसरे से नफरत ना रखे, आचरण चांगले ठेवावे। हम जो है हमारे बोलचाल अच्छा रखे, ईश्वर वर श्रद्धा ठेवावी, खुदाए ताला के ऊपर भरोसा रखे, असा उपदेश त्यांनी या दोहेतून केलेला आहे। यही पैगाम उन्होंने अपने मैसेज में दिया हुआ है। कबीर जैसे बोलत तसे वागत, कबीर जैसा कहते थे वैसा चलते थे। ते अत्यंत दयालु होते, वो जो थे शफकत वाले थे। एक दिवशी त्यांनी कपड़े विणले, एक दिन उन्होंने कपड़ों को भूपा आणि ते विकण्यासाठी ते घर बाहर पड़े और उसको बेचने के लिए बाजार गए। वाटे त्यांना एक गरीब भिकारी भेटला। रास्ते के अंदर क्या हुआ कि उनको एक गरीब भिक्षु मिला, भिकारी मिला। त्याच्या अंगावर कपड्यांच्या नुसत्या चिंध्या झाल्या होत्या। उसके जिस्म के ऊपर कपड़े फटे हुए थे। हे पाहून कबीर यांना अत्यंत वाईट वाटले। ये देखकर कबीर को खराब लगा। त्यांना त्या भिकाऱ्याची दया आली, उनको उस भिकारी की पर रहम आ गया। त्यांनी आपल्या जवळच्या कपड्यापैकी निम्मे कपड़े त्या भिकाऱ्याला देऊन टाकले। जो उनके पास कपड़ा था उसमें से आधा करकर उस कपड़े को उस भिकारी को दे दिया। तेवा तो भिकारी मनाला। जब वो भीख मांगने आला, भिकारी कहने लगा, महाराज एवढा सा कपड़ा माला कसा पुरणार, इतना सा कपड़ा मुझे कैसे पुरेगा। हे एकून यांनी उरलेले कपड़े ही त्या भिकाऱ्याला देऊन टाकले। संत कबीर ने क्या किया कि जो उनके पास बचा हुआ कपड़ा था वो भी उस भीख मांगने वाले को दे दिया, त्या भिकाऱ्याला देऊन टाकले। बाजारात कपड़ा विकायला गेलेले कबीर रिकाम्या हातांनी घरी परतले। जो कबीर संत कबीर कपड़े बेचने के लिए बाजार गए थे, वो खाली हाथ अपने घर वापस आए, पण परतताना किती समाधान वाटत होते। जब उन्होंने उस भिकारी की मदद की तो अपने आप पर फक्र महसूस कर रहे थे। ध्यास लगन पदे दोए अशहार उपदेश मैसेज संदेश